और चलिए बात करेंगे अब इंदौर की। आपको बता दें कि यहाँ पर बुजुर्ग महिला से दुकान मकान के नाम पर ही लाखों की ठगी जो है और रुपया मांगने को लेकर बुजुर्ग दंपत्ति को डराया धमकाया जा रहा है। बुजुर्ग महिला ने जो है पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। बुजुर्ग दंपत्ति के यहाँ पर फर्जी तरीके से दस्तावेज पर साइन कराकर दुकान पर किया अवैध रूप से कब्जा, और आपको बता दें कि यहाँ पर रुपये भी बुजुर्ग दंपत्ति से मांगे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि गंभीर आरोप इंदौर के गीता पैलेस धार रोड सिरपुर इंदौर में रहने वाली यहाँ पर जौहर बी ने यहाँ पर शिकायत की थी और कहा कि मेरे मकान और साथ दुकान का 1,10,00,000 रुपए में सौदा तय हुआ था, जिसकी पूर्व में यहाँ पर 97,00,000 रुपए मुझे गुलाम दस्तगीर पिता कुर्बान हुसैन और साथ ही उसके भाई अब्दुल कादर द्वारा दिए गए थे। उस पेमेंट से यहाँ पर 13,00,000 रुपए का बकाया अभी भी बचा हुआ है, जिसको अभी तक नहीं दिया जा रहा है। हमारा पुश्तैनी मकान 41 बॉम्बे बाज़ार ऊजापुरा, ये करीब करीब जो है 1,10,00,000 में जहूरबी ने बेचा था, ये जहूरबी ने बेचा था। और इसको जो है गौसुद्दीन अब्दुल दस्तगीर, गुलाम दस्तगीर पिता कुर्बान हुसैन, अब्दुल कादर पिता कुर्बान हुसैन, इनको हमने 1,10,00,000 में जहूर बी ने दिया था। और इसका पेमेंट जो है 97,00,000 रुपये वो दे चुके हैं। उसके बाद 13,00,000 रुपया जहूर बी का बाकी है। थाना हम पंडीनाथ थाना भी गए थे, वहाँ पे भी हमारे कागज़ देखे आदरणीय श्रीमान TI साहब ने, और उन्होंने फैसला करा देखे के भाई का जो है 13,00,000 रुपए जो 14,50,000 रुपए लिखे थे उसमें उन्होंने अपनों को दे एक साल पहले 1,50,000 रुपया दे चुके थे, तो 13,00,000 रुपया इनका आपको शाम तक के देना है। तो थाना प्रभारी जी ने ये बोला, उसके बाद से जो है गुलाम दस्तगीर अब्दुल कादर।